नगर निवासी किसान वीरां नूं बेनती की जाती है कि जिहड़ा अपना दिल्ली दे विच किसानां दा अंदोलन चल रहा है उस बाबत आपां कोई सलाह मशवरा मीटिंग करनी है। इस वास्ते बेनती है सारे किसान वीर चंद मिंटां दे विच चार दे पासे गुरु घर दे विच पहुंचण दी कृपालता करन। दुबारा फिर बेनती की जाती किसान वीरां नूं कि जो दिल्ली अपना संघर्ष चल रहा है किसानां दा उस बाबत आपां मीटिंग करनी है, कोई विचार विमर्श कर रहा है। सो सारे किसान वीरां नूं बेनती है कि चार दे पासे गुरु घर पहुंचण दी कृपालता करो, चंद मिंटां दे विच गुरु घर पहुंचो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अब किसान पुराने दौर में लौटने लगे हैं। एक समय था जब गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता था तो गुरुद्वारा मंदिर मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवाई जाती थी। बाद में दौर बदला और अब इंटरनेट की बदौलत सोशल मीडिया इसका बेहतरीन माध्यम बन चुका है। देश भर में कृषि कानूनों का विरोध है और दिल्ली के विभिन्न बोर्डों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने दिल्ली के विभिन्न बोर्डों सहित हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट पर रोक लगाई हुई है। सिरसा जिला में भी 3 दिन तक इंटरनेट बंद रहा था। अब एक बार फिर किसानों ने किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए पुराने दौर में लौटना शुरू कर दिया है। गांव के किसान अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मीटिंग भी करते हैं और इसके लिए बाकायदा पहले अनाउंसमेंट भी करवाई जाती है। इसके बाद एक जगह पर इकट्ठा होकर रणनीति बनाई जाती है। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया हुआ है, जिसको लेकर सिरसा जिला के गांव कंगनपुर में भी आज कुछ इस तरह का ही नजारा देखने को मिला। व्हाइट मनी का खजाने को ब्लैक मनी पूरा करने के लिए हमारी सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, इस पर भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर नोटबंदी पर आवाज उठाते तो आज देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं। नोटबंदी से पूरे जो सरकार थी वो पूरे घाटे में चलेगी, आम आदमी भी घाटे में चलेगा, सब रोजगार बंद हो गए। नोटबंदी पर सिर्फ और सिर्फ फायदा उन्हीं लोगों को हुआ है और उन्होंने करवाई थी जिन लोगों ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना था। दर लिख के कौन देता है, वही 10-15 घराने हैं जो कॉर्पोरेट घराने जो इस सरकार को फंडिंग के द्वारा चला रहे हैं। उसको देखो जी, प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नहीं, किसान कहीं है तो विद्रोह में है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात का किसान सबसे ज्यादा कमजोर है क्योंकि वहां किसानों की दुर्दशा है जी। पानी के चमड़े के ढोलों से नरमे का कूल में पानी भेजते हैं, चमड़े के ढोलों से निकालते हैं। मैंने उनको पूछा, मैं चले गया वहां। अनाउंसमेंट ऐसा है जी, सरकार नेट तो बंद कर रही है कि सोशल मीडिया के द्वारा किसानों तक मैसेज ना पहुंचे, तो इसके लिए हम गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट करके अपने भाइयों को इकट्ठा किया है ताकि हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो गुरुद्वारे में आवाज़ दी है, सारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम उस आंदोलन को सुचारू रूप से चालू रखेंगे और उसके लिए सारे किसान लाउड स्पीकर में आवाज़ देते गुरु घर में आ गए हैं और बैठ के हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो आगे की रणनीति है उसके हम बाबत हमने कैसे चलना है, इसी बाबत हम इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार चाहे कुछ भी हथकंडे अपना ले, नेट बंद कर दे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव में मंदिर है, गुरुद्वारे है, हम उनका सहारा लेके अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं और बैठ के विचार विमर्श करके जो है अपनी किसानों की लड़ाई की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम जो गांव गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं, 6 तारीख को जो हमने पूरे भारत को रोड जाम करना है उसके लिए हम संदेश दे रहे हैं और गांव वाइज रुक के लगा कर लोगों से मीटिंगें कर रहे हैं। गांव में रुक के लगवाते हैं, बोल मरवा के और मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमारे साथ तरह तरह की घिनौनी हरकतें करने का काम किया है। जब नेट बंद कर रखे हैं ताकि कि हम एक दूसरे को संदेश नहीं भेज सकें, और नेट बंद की वजह से हमारे संदेश तो नहीं रुकेंगे लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे देश के काम, हमारी बहुत सी कंपनियां हैं जो नेट के माध्यम से काम करती है, बैंक है और बहुत से बिजनेस हैं और बहुत से ज़रूरी काम हैं, वो सारे के सारे काम रुके हुए हैं लेकिन सरकार अपनी घिनौनी हरकत हमारे आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है। लेकिन नेट से हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है, हमारे तो सांस भी रोकेगी तो भी ये आंदोलन तेज़ होगा, ये सरकार को समझना चाहिए। और रही बात जैसे एक नेट की बात आ गई तो आपको बता देता हूँ, कुछ हमारे भोले भाले लोगों ने या कुछ
शरारती तत्व लगा लो, उन लोगों ने कहीं एक दो पोल उखाड़ दिए थे जियो के कई दिन पहले, तो सरकार ने इतना हंगामा मचाया था, मीडिया ने भी बहुत हंगामा मचाया था कि ये लोग किसान पोल पाड़ रहे हैं, किसानों ने जियो, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, सरकारी कामों में बाधा आ रही है, प्राइवेट कामों में बाधा आ रही है, ये जियो के चैनल, जियो के टावर हैं उनको उखाड़ रहे हैं। जबकि हमने उस बात पर खेद प्रकट भी किया और हमने लोगों को भी रोका भाई कोई भी टावर नहीं उखाड़ना है, इन टावरों के माध्यम से हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, सरकारी काम भी होते हैं, हमें अगर सिम है तो सिम पोर्ट करवा लेंगे, जियो से आप सिम पोर्ट करवा लो। आज सरकार ने 7 जिलों की, आज 11वां दिन है, 11 दिन से 3 दिन तक तो पूरे के पूरे हरियाणा का और कुछ यूपी और कुछ दिल्ली का बंद रखा, पूरा का पूरा नेटवर्क, और आज 7 जिलों का 11 दिन हो गए बंद है। क्या उन 7 जिलों के कोई सरकारी काम नहीं है? क्या उन सरकार 7 जिलों में प्राइवेट कंपनियां नहीं है? क्या उन 7 जिलों में एग्जाम नहीं होने? क्या उन 7 जिलों में पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं है? सरकार आज उस इस बात का जवाब दे। नेट बंद करके सरकार उनको नुकसान पहुंचा रही है, रेल बंद करके सरकार ने रेल के रूट बदल दिए, एक रेल चलती थी किसान सिरसा से और तो रेल बंद थी, उसका भी आंदोलनकारी इसको यूज ना करे, किसान इसमें चढ़ के ना जाए, उसका भी रूट बदल दिया। जिस प्रकार से सरकार कर रही है इस बात से सरकार हमारे आंदोलन को नहीं दबा सकती, चाहे सरकार कुछ भी कर ले, नेट तो चलाने पड़ेंगे सरकार को क्योंकि सारी अव्यवस्था हो जाएगी, लेकिन किसान आंदोलन नहीं रुकेगा। हमें चाहे पुरानी पद्धति पर बोल लगवा के, चौकीदारों से बोल लगवा के या हमारे आदमियों से बोल लगवा के, रेडियो में बोल लगवा के, हम मीटिंग भी करेंगे और 6 तारीख को पूरे का पूरा भारत 12 से 3 तक बंद रहेगा और शांत प्रिय रहेगा, कोई अप्रिय घटना नहीं घटने देंगे। ये सरकार तो देशद्रोही है, ये तो अप्रिय घटना भी घटवाना चाहती है, ये तो अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहती है, लेकिन हम अहिंसा के रास्ते पर रहेंगे, हमें कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटानी, शांति प्रिय हमारा प्रदर्शन है और शांति प्रिय रहेगा। और 6 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी से निवेदन करता हूं कि 12 से 3 पूरी की पूरी रोड जाम रखें और 12 से 3 के बाद लोगों की को असुविधा ना हो, ऐसा कोई काम ना करें।